हाय, मैं शुभांशु परेड़ा हूँ। आप लोगों को वेलकम करता हूँ हमारा चैनल शुभांशु परेड़ा में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल में जो प्राइम सेगमेंट होता है वो होता है पोस्ट मार्केट एनालिसिस। हर दिन में मार्केट खत्म होने के बाद स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी कल क्या होगा, कौन सा लेवल कल इंपॉर्टेंट प्ले करेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करके यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर मेरे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। उसके साथ अगर मेरे साथ जुड़ के लर्निंग के साथ अर्निंग करना चाहते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9090604838, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ पर आपको प्राइम सर्व डिटेल्स रीच हो जाएगा। नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लर्न एंड ट्रेड शुभांशु, जो कि एब्सोल्यूट फ्री है, जहाँ पर मैं ऑप्शन सेलिंग कराता हूँ फ्री में। उसके साथ वहाँ पर मैं ग्लोबल मार्केट अपडेट, लाइव मार्केट अपडेट देता हूँ, किस टाइप का मैं काम करता हूँ मेरे प्राइम सर्विस होल्डर के साथ, वहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट वगैरह अपलोड करता हूँ, तो उसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर देखिए निफ्टी का 15 मिनट कैंडल चार्ट पैटर्न ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जैसे कि आप लोगों को बताए, कल का मार्केट समझने से पहले आज मार्केट में किस टाइप का बिहेवियर हुआ उसको समझना जरूरी। पहले तो चीज़ मार्केट गैप डाउन बहुत नीचे खुला था, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट। जब 150 पॉइंट नीचे खुल के डाउन ट्रेड आना था, जो कि मैंने कल वीडियो में बोल दिया था, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर नीचे नहीं गिर रहा, ऊपर जा रहा है, तो जो रिस्की ट्रेडर है फटाफट आपको छोटा मोटा एसएल के साथ बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए 17,237 जो लेवल होगा ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेगा। इसके ऊपर जब जाता है मार्केट, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं छोटा। देखिए जब 17,237 जब क्लियर हुआ, फटाफट मैंने फ्यूचर को बाय करने के लिए मेरे पेड सर्विस होल्डर को दिया था, उसके साथ 17,250 सी दिया था, जो कि ऑलमोस्ट मुझे 30 पॉइंट कमा के दिया। बट ये दो कैंडल में मैंने एंट्री नहीं ले पाया। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि ऊपर 17,237 था। हाँ, अगर मैं छोटा मोटा स्टॉप लॉस के साथ चाहता तो ले लेता, बट मुझे फील हुआ कि 17,237 जब क्लियर करेगा तभी होगा। उसके बाद मार्केट क्लियर तो किया, बट एक शार्प मोमेंटम हमको देखने को नहीं मिला। उसके बाद दो कैंडल, ये सब जो कैंडल है ना, ये कैंडल में हम दोस्तों याद रखें, ये कैंडल तो ख़त्म होने के बाद अभी कैंडल आपको बोथ साइड ये आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है, जो कि 5-7 पॉइंट देते हैं, ठीक है। बट उसके बाद जब पता था 17,358 इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए, तो मार्केट में एक शार्प सेलिंग देखने को मिला, जो कि 11:30 के बाद आया। लगभग फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम 140 पॉइंट हम लोग फटाफट मार्केट गिर गया। उसके बाद फिर से मार्केट उसी रेंज में घूमना शुरू किया, फंस गया मार्केट। उसके बाद मार्केट एक डायरेक्शन भी नहीं चला। आज मैक्सिमम लोगों का आज एक्सपायरी डे है, शायद कोई अगर ओपन रखा होगा तो उसका प्रॉफिट होगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों का आज स्टॉप लॉस शीट होना तय था। कि मार्केट एक स्लोप डायरेक्शन भी नहीं दिया था, बस ये जो 11:30 के बाद जो 3-4 कैंडल गिरा था, एक कैंडल आपको एक डायरेक्शन दिया था। ओवरऑल आज मार्केट में एक ट्रेंडी जो मार्केट देखने को मिलता है, वो ट्रेंडी देखने को नहीं मिला। मार्केट में बोथ साइड देखने में, जो कि बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है आज ऑप्शन बाई और ट्रेडिंग करना, क्योंकि फिर से देखिए यहाँ से गिरा, फिर से यहाँ से पुल बैक लिया, फिर से यहाँ पर 237 को क्लियर आउट करने के लिए कोशिश किया, फिर से गिरा, तो मार्केट में एक रेंजी मार्केट देखने को मिला। तो ठीक है, तो मान लीजिए अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाता है, जो कि आज यूजर अभी भी वो 17,237 लेवल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। अगर ये लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करके ये 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लेता है 260, तो हम यहाँ पर बाइंग साइड देख सकते हैं, फ्यूचर को बाय कर सकते हैं और ऑप्शन को भी बाय कर सकते हैं, एटमोस्ट ऑलमोस्ट 10-15 पॉइंट एसएल दे के, जिसमें हम लोग फास्ट टारगेट करेंगे इस बार 340 हमारा फास्ट टारगेट होगा। अगर वो लेवल को भी ब्रेकआउट करता है तो 358, अगर 350 लेवल के ऊपर फिर से मार्केट रह जाता है तो फिर से हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करके 498 तक उसको रैली को पकड़ सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है जो 237 है, और उसके नीचे अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होकर नीचे गिरे, फटाफट वहाँ पर हम लोग फ्यूचर को सेल करेंगे और निफ्टी ऑप्शन को बाय करेंगे, पुट ऑप्शन, जिसमें हमारा फास्ट टारगेट होगा 17,050। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होकर गिरता है तो कल हम देख सकते हैं 17,050, जो कि आज हुआ वो कल नहीं होगा। अगर मान लीजिए कल गैप डाउन खुल के ऊपर जा रहा है, मार्केट कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं करना है। जब तक मार्केट 17,237 के ऊपर नहीं जाएगा, नहीं क्लोज करेगा, तब तक आप बाइंग साइड में आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, ठीक है। जब इसके ऊपर सस्टेन कर लेगा तभी यहाँ पर बाय कीजिए, जिसमें आपका फास्ट टारगेट होगा 17,263 आपका फास्ट टारगेट होगा। तो मैं निफ्टी में दो लॉजिक बता चुका हूँ, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो 17,237 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है
तभी जाए के बाय कीजिए, अदरवाइज आप सेलिंग कीजिए। अगर मार्केट कल गैप डाउन होकर नीचे गिरे फटाफट सेल कीजिए छोटा मोटा एसएल के साथ, अगर ऊपर जा रहे तभी जाए के बाय कीजिए जब ये 17,237 ब्रेकआउट करेगा। तो दोबारा बोलता हूँ, जो भी मैं लेवल वगैरह डिस्कशन करता हूँ ये फ्यूचर से एनालिसिस करके बताता हूँ कि जो पर्टिकुलर लेवल होता है ये फ्यूचर से होता है, तो आप ये लेवल को फ्यूचर में नोट कीजिए, इंडेक्स में नहीं। बैंक निफ्टी आज सुबह से लेके जब एक स्लोपी मार्केट था, बैंक निफ्टी में हालांकि एक प्रॉफिटेबल थोड़ा बहुत था बट बैंक निफ्टी एक स्लोपी था। बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद टेल होना शुरू हो गया, तो यहाँ पर मैंने एक पुट ऑप्शन दिया था क्योंकि अभी तो कैंडल ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर मेरा एस एल हिट हुआ था, फिर से 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके एक मार्केट शार्प मोमेंटम हुआ, फिर से मार्केट गैप डाउन थोड़ा बहुत गिरा, फिर से मार्केट उठा। उसके बाद जब ये 3675 जो कि मैंने कल की वीडियो में बोल दिया था, अगर मार्केट ऊपर जाता है जो सेफ ट्रेड है 36075 ऊपर जब जाएगा तभी जाए के बाय करेंगे, अदरवाइज नो। जब ये नहीं कर पाया तो यहाँ से एक शार्प सेलिंग हमको देखने को मिला, कम से कम आपको 500 पॉइंट गैप डाउन ट्रेंड आया, तो यहाँ पर मैंने फटाफट पुट ऑप्शन दिया था जो कि मुझे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट दिया। उसके बाद मार्केट टोटल एक रेंज में गया, ना ऊपर जा पाया ना नीचे जा पाया, ना 35,800 जा पाया ना नीचे 35,402 को क्रॉस कर पाया, तो मार्केट एक जो स्लोप में घूमा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो कहने का मतलब है आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो वीकली एक्सपायरी होता है एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को नहीं मिला, सिर्फ ऑप्शन सेलर के लिए था, आज मार्केट ऑप्शन बायर के लिए नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए आज मार्केट कल मार्केट गैप अप ओपन होता है जो कि 35,800 के ऊपर, अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर ऊपर जा रहा है तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ आप फर्स्ट टारगेट 35,900 रख सकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आप रख सकते हैं सेकंड टारगेट 36075। जब ये 3675 करेगा तो छोटा मोटा स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करके आप यहाँ पर बड़ा टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, मिनिमम आप 36,500 रख सकते हैं। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होकर नीचे गिर रहा है तो ये परफेक्ट ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बायर के लिए बन जाएगा, पुट ऑप्शन को बाय कर सकते और फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज को फटाफट कट करेगा। जब भी 200 मूविंग एवरेज को कट करता है लाइक दैट बहुत बड़ा मार्केट गिरता है, तो यहाँ पर जब 200 पॉइंट मूविंग एवरेज को कट करेगा तो फटाफट 35,400 आप टारगेट के साथ आप फ्यूचर को सेलिंग कर सकते हैं और पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। और एज यूजल अगर मार्केट कल बैंक निफ्टी अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये जो 35,402 लेवल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट करेगा। जब तक ये लेवल को ब्रेक डाउन करेगा अच्छे से फटाफट वहाँ पर फ्यूचर को सेलिंग कीजिए और ऑप्शन को बाय कीजिए पुट ऑप्शन, अदरवाइज अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पर आप छोटा मोटा एसएल के साथ फ्यूचर को बाय कीजिए और कॉल ऑप्शन को बाय के, जिसमें आपका पोटेंशियल बहुत ही यहाँ से बहुत बड़ा पॉइंट हम लोग कमा पाएंगे। मिनिमम टू मिनिमम 200 मूविंग एवरेज 35,800 ऑलमोस्ट 400 तक हम यहाँ पर इजीली प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है, तो मैं दो लॉजिक बता चुका हूँ, मार्केट अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर जा रहे 35,800 के ऊपर अगर जा रहे तो छोटा मोटा 35,700 एसएल लगा के बड़ा टारगेट कर सकते हैं 36,075 तक। अगर ये 35,800 लेवल को ऊपर गैप अप ओपन होकर मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करता है ऐसे कट करता है तो फटाफट वहाँ पर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर को सेल कीजिए, पुट ऑप्शन को बाय कीजिए, 35,402 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर मार्केट कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है तो जब तक ये 35,402 लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक मेरे जो एडवाइस होगा फ्यूचर को सेलिंग मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर उठ सकता है। जब ये क्रॉस करेगा फटाफट फ्यूचर को सेल कीजिए, छोटा मोटा एसएल के साथ 35,073 आपका टारगेट रख सकते हैं। अगर ये बैंक गैप डाउन ओपन होकर 35,402 लेवल को रेस्पेक्ट दे के ऊपर उठ रहा है तो फटाफट यहाँ पर बाय कर सकते हैं, जो कि परफेक्ट बाइंग होगा, परफेक्ट ट्रेड होगा, जिसमें आपका फर्स्ट टारगेट होगा 35,800, उसके साथ आप कॉल ऑप्शन एट द मनी बाय कर सकते हैं। तो दो लॉजिक बता चुका हूँ, बैंक निफ्टी निफ्टी जो भी मैं बताता हूँ इंडेक्स से नहीं फ्यूचर से एनालिसिस करके बताता हूँ, तो ये लेवल जो है फ्यूचर्स का लेवल है, इसको जो भी उसके साथ जो मैं बताता हूँ ये मेरे ट्रेडिंग सेटअप मेरे एजुकेशन बेस्ड, इसको फॉलो करने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, नहीं तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मुद्रा लीजिए इसको अप्लाई करने से पहले।
तो आज के लिए इतना ही था। अगर मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको लाइव मार्केट अपडेट मिलेगा, ग्लोबल मार्केट भी अपडेट मिलता है। अगर मेरे साथ जुड़ के लर्निंग के साथ अर्न करने चाहते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9090604838, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ पर आपको प्राइम सर्विस डिटेल्स रीच हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट।